नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्रिकप्लेक्स प्रीव्यू में। जी हाँ, मैं यानी शानू आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रीव्यू, और मेरे साथ हैं आज अरविंद। हेलो अरविंद। हेलो भाई, आज के मैच की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले ना एक छोटा सा है ना, मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये आईपीएल में आजकल हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कुछ इधर हो जा रहा है, कभी कुछ उधर हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल शानू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साल का जो आईपीएल 2024 है, काफी अनप्रिडिक्टेबल अभी तक साबित हुआ है, और कौन से चार टीमें हैं जो प्लेऑफ्स में खेलेंगे अभी तक नहीं पता है, और मैच नंबर ये तकरीबन 61 चल रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए तो आज हम ये भी कह सकते हैं, आज के मैच पर आते हैं कि नंबर 4 वर्सेस नंबर 2। जी हाँ, आज मैच CSK और राजस्थान के बीच में, यानी कि चेन्नई और राजस्थान आपस में भिड़ने जा रही है। 61st ये मैच होने वाला है। आज की अगर बात की जाए तो भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब एक मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा है ना CSK के लिए डरा हुआ भी हूँ, क्योंकि जो ये परसों वाला मैच हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मुझे है ना थोड़ा सा खौफ में लेके चला गया कि यार CSK ऐसी पोजिशन में इस तरीके से खेलेगी तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बिल्कुल, जो GT के साथ मुकाबला था CSK का उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि CSK एक बहुत ही फाइटिंग उसमें प्लेयर है, मैं कहूँगा। हालांकि शानू, हम कई आर्टिकल्स में पढ़ रहे थे जो उनके बॉलर हैं इंजर्ड है, उसके कारण जो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि CSK जो है कहीं ना कहीं कमबैक करेगी इस मुकाबले में जो राजस्थान के साथ है, ये आपको लगता है। इसी के साथ साथ हेड टू हेड पे भी आ जाते हैं। देखिए अभी तक है ना 29 मैच इनके बीच में हुए हैं, जिसमें से 15 मैच जो है वो CSK जीती है, और वहीं पर अगर बात की जाए तो राजस्थान यहाँ पर 14 मैच जीती है। जी बिल्कुल सही। तो इसमें क्या लगता है, मतलब कुछ फर्क तो है नहीं इतना? नहीं, कुछ बिल्कुल फर्क नहीं है। मैं कहूंगा कि CSK और राजस्थान दोनों दिग्गज टीमों की और काफी अनुभवी प्लेयर्स है, चाहे कोचेस है, काफी अच्छी एक जमी हुई टीमें हैं, तो मुझे लगता है तभी इसका एक कारण है कि वो दोनों जो है काफी डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। वहीं पे अगर बात करें तो मतलब आपको क्या लगता है, यहाँ पर हम प्लेयर्स को अगर वर्सेस में रखें तो किस किस को रखना चाहिए और कैसा किसका प्रदर्शन रहेगा? मुझे लगता है कि जो जहाँ ये मुकाबला हो रहा है MH चिदम्बरम चेपक के मैदान में हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ जो है स्पिनर का बड़ा दबाव रहता है, दबदबा स्पिनर का रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम राजस्थान रॉयल की टीम की बात करें तो युजवेंद्र चहल मुझे दिख रहे हैं, सामने की टीम में रविंद्र जडेजा है ही, तो मुझे लगता है कि स्पिनर का यहाँ दबदबा मुझे नज़र आता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, मतलब आप पावर ओवर में क्या सोच रहे हो कि पावर में कितना हो जाएगा? देखो दोनों दिग्गज टीम, मैंने जैसे कि बोला काफ़ी अच्छी टीमें हैं दोनों, प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो स्कोर तो बहुत अच्छे जाने वाला है। और बात रहती है टॉस पे, ये जो पिच है ना दोगली नज़र आती है इस IPL, कभी बहुत ज़्यादा स्कोर होता है कभी कम, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर जाने वाला है। तो टॉस का क्या लग रहा है, कौन जीत के क्या लेना चाहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीतकर पहले ये लोग गेंदबाजी करना चाहेंगे, मतलब आप मानते हो कि ड्यू आएगी? दोपहर है, दोपहर में कोई ऐसा कुछ रहेगा नहीं क्या? जी बिल्कुल, ड्यू का तो ऐसे कुछ फैक्टर नहीं, बट पिच जो है काफी स्पिनर के लिए मददगार रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मारेंगी दोनों टीमें। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जाते हैं स्कोर पे। आपको क्या लग रहा है कितना स्कोर आज इस मैच में रह सकता है? मैं कहूँगा कि जो CSK अभी हाल ही में हार के आई है तो कमबैक करना चाहेगी, पॉजिटिव कमबैक। और राजस्थान रॉयल में मैं लगातार देख रहा हूँ कि जायसवाल हो गए, सैमसन हो गए, रियान परा काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, दोनों में जो है बैटिंग स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो मुझे लगता है कि 200, 190 या 200 से पार भी जा सकता है, पॉसिबल है। अगर हम क्रिकप्लेक्स 11 की बात की जाए, हम अपनी टीम बनाना चाहे तो आप क्या चाहते हो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको रखोगे, बताओ? मैं कहूँगा कि मुझे कैप्टन शिवम दुबे चाहिए, और युजवेंद्र चहल को मैं जो है वाइस कैप्टन बनाना चाहूँगा। कौन सी टीम जीतेगी आज? ये कहना थोड़ा मुश्किल है शानू, लेकिन मैं CSK की तरफ जाऊँगा, क्योंकि एक बहुत ही नेगेटिव फेलियर उनको आया है पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन इस वक्त जो है टीम बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आएगी और मुझे लगता है कि मैच जीतेगी। देखिए थलाइवा उधर है तो थोड़ा सा अभी जो एक कॉन्फिडेंस है वो हमारा ऐसे ही बना रहता है, लेकिन आज अगर मेरी बात की जाए तो देखो मैं आपके ऑपोजिट रहूंगा, मैं चाहता हूँ आज राजस्थान के साथ, क्योंकि परसों वाले मैच के बाद थोड़ा सा है ना गुजरात से ऐसा मैच करके मतलब थोड़ा सा डाउट हो गया। बिल्कुल, उसके पीछे का कारण जैसे कि शानू हमने बात भी करी थी क्रिकप्लेक्स में कि कहीं ना कहीं मतीशा पतिराना हो गए, अब वो चहर हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, सब लोग चोटिल हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है कि बॉलिंग टीम अभी जो है यूनिट है वो थोड़ा खराब चल रही है, लेकिन CSK एक स्ट्रॉन्ग टीम है, कमबैक करके जरूर आएगी। चलिए, ये था आज का हमारा प्रीव्यू, और ऐसे ही हम प्रीव्यू में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो एक और मैच है शाम को, हम वो मैच भी आपके पास लेकर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपकी टीम क्या है क्रिकप्लेक्स 11? जी हाँ, आपकी फैंटेसी 11 क्या है, आपकी ड्रीम 11 क्या है, आप एक बार बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में जाके।